बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मा बनाना सिखा रही हैं हाजमे की गोलियां। हाजमे की गोलियां वो भी मम्मी के स्टाइल से, देसी स्टाइल से। चले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या डालते हैं। रहमानिर्रहीम जी, मम्मा क्या क्या चीज़ें डालेंगी इसके अंदर, क्या स्पाइसेस डालेंगी? ये आमचूर है, ये काली मिर्च आमचूर 2 चम्मच है, काली मिर्च 3 चम्मच है, सूंड ये अदरक का पाउडर, अदरक का पाउडर 1.5 चम्मच है, काला नमक 2 चम्मच है, टाटरी 1/2 चम्मच है, जवैन 1.5 चम्मच है, और मीठा सोडा 1 चम्मच है, और ये दालचीनी थोड़ी सी है, 1 चम्मच, आधी चम्मच। हाँ, आधी चम्मच होगी। और अब इनको हम दोबारा ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इसको हम दोबारा सारा इकट्ठा करके दोबारा ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड करके तो ये 2 चम्मच मीठा, 2 चम्मच है ये सिरका, और इससे हम इसको गूंदेंगे। ठीक, तो ग्राइंड करके गूंदेंगे, गूंद कर उसके बाद ना छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। हर खाने के बाद ये एक गोली खाने से इनको गैस, मैदे, खाना हजम नहीं होता, गैस हो जाती है, और मतलब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी जो ना टैबलेट बनेगी। ठीक है, चलो भैया अब ये सारे स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब ये सारे हमने मसाले का पाउडर बना दिया है, पाउडर बन गया है। ठीक, तो अब ना हम इसको ना ये थोड़ा थोड़ा सिरका डाल के तो इसको गूंदेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको जब हम गूंद लेंगे ना तो फिर हाथ से गूंद लें या चम्मच से गूंद लें, तो हम नरम सामने आटा गूंद लेना है, सिरका डाल, जिससे जो ना टैबलेट जो है ना सही तरीके से बन जाए। तो ऐसे मलते रहना, गूंदते रहना सारा इकट्ठा करके। अब ये थोड़ा सामने और सिरका डाला है इसके अंदर 1 चम्मच, थोड़ी देर इसको सिरका ऐसे करके ना इसको थोड़ी देर रखना कि ये फूल जाए। ठीक है, सारा थोड़ा सा और ज़्यादा सिरका नहीं डालना, ताकि पतला ही नहीं करना, पतला नहीं करना, फिर तो टैबलेट नहीं बनेगी ना। सुखा रखना है आपने, तो ना ये देखना कि ये थोड़ा सा फूल जाए। ठीक है, कितनी देर पानी ये सिरका जज्ब हो जाए अंदर सब में अच्छी तरह। ठीक, तो फिर हाथ में लेके जैसे हम पेड़ा करते हैं ऐसे उस तरह की छोटी छोटी हमें ना इसकी टैबलेट बनानी है। कितनी देर तक इसको? 5-10 मिनट ये बस, फिर मिलते हैं 5-10 मिनट बाद। जी, अब ये फूल गया अच्छी तरह, ये क्या करना है इसका? अच्छी तरह फूल गया, इसकी टैबलेट आप चौड़ी बनाएं, गोल बनाएं, जिस तरह मर्जी बनाएं। ये आपको ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे तो आपको भी ज़्यादा खाएंगे कभी थोड़ा खाएंगे, आपको एक लेवल पर छोटी छोटी बनानी है गोलियाँ बना कर। हाँ, आप इसको ऐसे लें और हाथ में रखें और इसकी टैबलेट बनाएं। ऐसे आप टैबलेट सारी बनाती हैं? ये देखिए, इस तरह टैबलेट बनानी है, इस तरह बना लें, और जो चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई एक ऐसी चीज़ है ना, कोई चीज़ जड़ी होती है उसमें पानी या कोई चीज़ या सिरका वगैरह डाला जाए ना, वो कट्ठी मुश्किल होती है। जैसे नमक हो गया, वो ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो ना वो जल्दी नहीं होती। देखो इसी तरह हम सारी बना लेते हैं टैबलेट, टैबलेट बना लें सारी, आपको देखो इस तरह बना दी हमने सारी गोलियाँ।
सारी इस तरह बना देंगे और प्लेट में या किसी खुले थाल में इसको ना बना के धूप में रख देंगे 2 से 3 दिन। दो से तीन दिन के लिए ना उसको हम धूप में रख देंगे, अच्छी तरह सूख जाएगी। फिर आके फिर इसको आपने शीशे वाले बॉल में रखना है। ओके चले मिलते हैं 2 से 3 दिन बाद जब ये सब सूख जाते हैं। हाँ जी ये देखो ये अब ना टिक्कियाँ सूख गई हैं, ये हार मोहल्ला की गोलियाँ बन गई हैं, ये बड़े बड़े ज़्यादा ही सूख जाएंगी। अब ना धूप ज़रा कम निकल रही है ना इसलिए कुछ ये देखो ये सूखी हैं, कुछ छोटी बन गई हैं। जो आपको पता ये तो है सब्जियों का मौसम, इसमें ये फायदेमंद चीज़ है ये, तो इसको बना के ना जैसे इसका चूरन बना के रख लो। ये देखो ये इसका चूरन है अभी रखा है बनाकर, ये इसका चूरन ले लो चूरन खा लो या ये इसका बना के गोलियाँ रख लो, दोनों चीज़ें फायदेमंद है कब्ज के लिए भी और आपकी गैस की खासतौर पर गैस के लिए। आपने हर खाने के बाद बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चे छोटे बच्चों को आदि करके दे सकते हो, खुद भी ज़्यादा नमक मिर्च क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं तो वो इस गोली को आधा सुबह आधा शाम खाने के बाद आम जो ठीक है तो वो ये खा लें या चुटकी भर ये इसका बना के रख लें, चुटकी सा लिया तो खा लिया, गोलियाँ बना लें जो आपका दिल चाहे, और बहुत फायदेमंद चीज़ है बहुत अच्छी है। पित्ते की तकलीफ वाले भी खा सकते हैं, पेट की तकलीफ वाले भी खा सकते हैं, और आपने इसको हर तरीके से खा सकते हैं। आपका दिल चाह रहा है कि ऐसे गोली के लिए खा सकते हैं तो आप हल्का से गर्म पानी में भी डाल के खा सकते हैं इसको तो जल्दी से, दोनों में आपको अच्छा असर होगा। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये वही मसाले हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है फायदेमंद चीज़ है। थैंक यू। और व्यूअर्स आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल नौशीन आर्ट एंड कुकिंग आइडियाज़। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।